हे गाइस, तो चलिए देखते हैं आईबीपीएस आरआरबी और पीओ का और क्लर्क का स्टेट वाइज वैकेंसी हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश का देखते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी, और मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा। सो आप देख सकते हैं कि एससी कैटेगरी यहाँ पे 45 वैकेंसी दिया है, एसटी का 21, ओबीसी का 78, ईडब्ल्यूएस का 32 और जनरल का 114। सो आप देख सकते हैं कि ये मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पे टोटल 290 वैकेंसी था, 290 वैकेंसी डिक्लेयर किया है। और ये अगर मैं पीओ की बात करूँ तो यहाँ पे इनका 81 डिक्लेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले इन्होंने दिया है। सो आप देख सकते हैं, ठीक है। और देन सेकंड मैं लूंगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इतनी वैकेंसी नहीं है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड में, और वहाँ पे इतना आप सबको पता होगा कि वहाँ वो साइड में इतना डेवलपमेंट नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं एसटी में एक ही वैकेंसी है और जनरल में दो ही है, टोटल तीन वैकेंसी ही है। और एसटी में यहाँ पे एक है पीओ में, और जनरल में एक है, टोटल दो है वैकेंसी। देन हम बात करेंगे आसाम की। आसाम में आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 वैकेंसी, 9 वैकेंसी, 33 वैकेंसी, 12 वैकेंसी, 50 वैकेंसी, टोटल 122 वैकेंसी है। और पीओ में आप देख सकते हैं टोटल 148 वैकेंसी दिया है, जिसमें 22, 11, 40, 15 और 60, जनरल का 60 वैकेंसी है। और देन आप देख सकते हैं कि बिहार, बिहार की मैं बात करूंगा यहाँ पे। बिहार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 92, 45, 164, 61 और जनरल की यहाँ पे 248 है, टोटल 610 वैकेंसी बन रहा है यहाँ पे बिहार में फॉर ऑफिस असिस्टेंट। और पीओ का हम देखें तो टोटल 269 वैकेंसी बन रहा है पीओ का बिहार में, 40, 20, 72, 27 और 110 जनरल का। एंड छत्तीसगढ़ की बात करूंगा मैं भी। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हो कि एक भी वैकेंसी नहीं, ओनली जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है 54, ओनली जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 54, नो एससी एसटी ओबीसी। और पीओ की बात करूं मैं, अगर ऑफिस असिस्टेंट में खाली जनरल में ही है, और पीओ की बात करूं तो यहाँ पे 63 है, जिसमें जनरल की 30 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, ओबीसी के 14 है और एससी में 13 है और एसटी में 0 है। देन मैं गुजरात की बात करूंगा। नॉर्मली आरआरबी में ज्यादातर सब लोग गुजरात में ही फोकस करते, सॉरी अगर वीडियोज में अगर थोड़ा हिल रहा है, सो आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा प्रॉपर बनाऊंगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 23, 39, 74, 27, 113, टोटल 276 वैकेंसी है गुजरात में, और 235 वैकेंसी है ओपीओ के लिए और 276 है क्लर्क के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। देन मैं बात करूंगा हरियाणा के लिए। हरियाणा में आप देख सकते हो 49, 70, 26, 116, टोटल 261 हरियाणा में, और पीओ में 127। देन हिमाचल प्रदेश में 128 है ऑफिस असिस्टेंट का वैकेंसी और 67 है पीओ का वैकेंसी, यहाँ पे पीओ का वैकेंसी कम है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे जेएनके की बात करूंगा। जेएनके में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 77 पीओ ऑफिस असिस्टेंट एज वेल एज 77 पीओ के लिए भी, दोनों में सेम वैकेंसी है, बस कैटेगरी वाइज डिफरेंस है। देन झारखंड में आप देख सकते हैं कि 8, 4, 15, 5 और 25 वैकेंसी है, और यहाँ पे मैंने ये कैटेगरी वाइज लिखा है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल, तो आप देख सकते हैं आपको भी समझ में इजीली मैंने रखा है लिख के। तो 57 ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी और 72 आपकी पीओ की वैकेंसी है। अभी मैं बात करूंगा कर्नाटक और केरला के बारे में। ये दोनों स्टेट के बारे में आप देख सकते हैं कि नॉन रिपोर्टेड आया वैकेंसी, नॉन रिपोर्टेड वैकेंसी आया है, मीन्स अभी तक इन्होंने कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की है, अभी तक इन्होंने कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं किया, जिसके वजह से यहाँ पे कोई वैकेंसी मेंशन नहीं किया इन्होंने नोटिफिकेशन के ऊपर। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जब फाइनल रिजल्ट आएगा ऑफिस असिस्टेंट का और क्लर्क मेन पीओ का, सो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे है ना वैकेंसी जरूर आएगी, जरूर वैकेंसी आएगी। सो आप अगर कर्नाटक और केरला से बिलोंग करते हो तो आपको फॉर्म भरना चाहिए आपके कैटेगरी वाइज। सो क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि दूसरे स्टेट से भरने का, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको दूसरे स्टेट से वीडियो भरना फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते, आप ये एमपी का भी मैं दिखाऊंगा, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में देख लीजिए टोटल 173 ऑफिस असिस्टेंट का है और पीओ का 76 है। देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 306 अपना ऑफिस असिस्टेंट का है क्लर्क का, और 166 पीओ का है। देन ओडिशा में 64 ऑफिस असिस्टेंट का है और 60 पीओ का है। देन पंजाब में क्लर्क का 138 है, 166 पीओ का है। देन आप राजस्थान का देख सकते हैं, यहाँ पे राजस्थान में 44, 33, 52, 19 और 115 है, टोटल 263 क्लर्क का है, जो कि बहुत अच्छा वैकेंसी है, एंड 172 पीओ का है। देन तमिलनाडु की बात करेंगे हम, तमिलनाडु में आप देख सकते हैं कि 314 क्लर्क का है और 156 पीओ का है। देन तेलंगाना, तेलंगाना में 345 और पीओ का 87, यहाँ पे पीओ की थोड़ी वैकेंसी कम है,
यहाँ पे पीओ की वैकेंसी थोड़ी रिड्यूस हो गई है, लास्ट ईयर के कंपेयर में यहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा वैकेंसी है क्लर्क के लिए। देन यूपी, यूपी ने बहुत बड़ा वैकेंसी डिक्लेयर किया, आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत अच्छा, सबसे बड़ा यूपी ने ही बहुत अच्छा वैकेंसी दिया है। आप देख सकते हैं 1427 1427 वैकेंसी दी है, जिसमें से सिर्फ जनरल की इसमें से 602 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 147 है और ओबीसी की ऑलमोस्ट 400 है, ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं मैं। और अगर यही मैं अगर पीओ की बात करूं तो पीओ में तो इनफैक्ट बहुत अच्छा, क्लर्क के कंपेयर से भी अच्छा कर दिया उन्होंने और बहुत अच्छा वैकेंसी दिया 1932। एंड लास्ट ईयर भी ऐसे ही वैकेंसी बहुत अच्छा आया था यूपी में और बहुत अच्छा वैकेंसी इस बार भी दिया है इन्होंने सेम, तो 286 147 535 191 और 773 सिर्फ जनरल के लिए कैटेगरी के लिए। और वो बिकॉज ऑफ क्योंकि यूपी सबसे पॉपुलर स्टेट है और यहाँ पे आरआरबी की ब्रांचेस और तीन आरआरबीज है यहाँ पे कंपेयर टू अदर स्टेट्स। एंड उत्तराखंड की बात करूंगा मैं, उत्तराखंड में टोटल 40 है क्लर्क की और पीओ की है 30। और वेस्ट बंगाल की बात करूंगा मैं, यहाँ पे 250 टोटल क्लर्क की है और 210 पीओ की, यहाँ पे भी अच्छा खासा वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा यहाँ पे आपको बता दिया है आईबीपीएस आरआरबी पीओ के और क्लर्क के स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे मैं पूरा आपको क्लर्क के पूरा मैं ना टोटल बताऊंगा आपको कि कहाँ कितना वैकेंसी दिया। तो आप देख सकते हैं 5190 ऑलमोस्ट 5200 वैकेंसी इन्होंने दी है ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4096 ऑलमोस्ट इन्होंने 4100 वैकेंसी दिया। तो आप देख सकते हैं अराउंड 9300 वैकेंसी दिया है इन्होंने, मतलब 9000 प्लस वैकेंसी इन्होंने डिक्लेयर किया इस बार आईबीपीएस आरआरबी के नोटिफिकेशन के बारे में। सो आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बहुत अच्छा वैकेंसी दिया है, 9000 वैकेंसी दिया है क्लर्क का और पीओ का मिलाकर। सो आप पढ़ाई करते रहिए और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।